है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का भी जिना होता है। और आंखों का जिना क्या है? आंखों से बेहयाई के सीन देखना, खा तस्वीरें हों या लाइव हों या स्क्रीन पर हों या किसी भी तरीके से प्रिंटेड मैटर हो, तो नेकेड तस्वीरें और ऐसे सीन देखना जो है ये भी जिना में शामिल हो जाता है, लेकिन आंखों का जिना। इसी तरह कानों का भी जिना है, यानी ऐसी गुफ्तगू सुनना कि जिससे ऐसे जज्बात और ख्यालात पैदा हों। फिर इसी तरह जबान का जिना बताया गया, फहाशी की बातचीत करना। हाथ का जिना, हाथ से किसी ऐसी चीज को पकड़ना। पांव का जिना, ऐसे रास्तों पे चल के जाना। दिल का जिना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल का जिना भी बताया, क्योंकि इस आयत में आया ना, मा ज़ाहरा मिन्हा व मा बतन, ज़ाहरी भी और छुपे भी, बेहयाई के कोई भी तरीके सामने हो या छुप कर हो, उन सब से बचना जरूरी है। तो दिल का जिना क्या है? बेहयाई या बुरे काम की या जिना की ख्वाहिश करना और तमन्ना करना। फिर फरमाया, फिर शर्मगाह इन सब की या तो तस्दीक कर देती है या तकजीब कर देती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा गैरत इस बात पे आती है जब वो अपने किसी बंदे या बंदी को जिना करते देखता है। वला तक्रबुल फवाहिशा, और फवाहिश के बेहयाई की बातों के बेहयाई के कामों के करीब भी ना फटको, उस रास्ते पे भी ना जाओ। क्यों? इसलिए कि वो बदतरीन रास्ता है। वला तक्रबुल जिना इन्नहु काना फाहिशतन वसाअ सबीला, जिना के करीब ना जाओ क्योंकि वो बेहयाई की बात और बदतरीन रास्ता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि यहाँ पर मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन की जो बात है, तो यहाँ बताना से मुराद क्या है? बातनी फवाहिश से मुराद वो गुनाह है जो नंबर एक या तो छुप कर किए जाए, यानी खुली बदकारी के अलावा छुप कर बुरे काम करना, बेहयाई के काम करना, यानी लोगों के सामने तो इंतहाई नेक शरीफ नजर आना लेकिन तन्हाई में बुरे काम करना, या फिर बातनी फवाहिश से मुराद दिल की बुराइयां भी हैं, जैसे हसद, कीना, हिर्स, नाशुक्री, बेसब्री, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस्लाम में मर्दों और औरतों के बाहम ताल्लुकात में बहुत सी हुदूद और पाबंदियां रखी गईं, ताकि किसी बड़ी बुराई तक पहुंचने से पहले ही रुकावट डाल दी जाए। तो मुराद इससे क्या है कि ऐसे वसाइल, ऐसे तरीके, ऐसे जरिए और ऐसे रास्ते भी इख्तियार न करो जो तुम्हें बेहयाई के कामों के करीब ले जाएं।